पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे आज आमंत्रण दिया। जैसा कि आपने अपने खुदस में कहा कि आज उनकी अनुपस्थिति में हम उनके बारे उनको याद कर रहे हैं, तो पापा एक ऐसे कवि, उनकी रचनाएं कालजे की रचनाएं हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा भी था, हम चले जाएंगे जब लौट के सावन की तरह, याद आएंगे तुम्हें प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। तो वो तो हमेशा याद आते रहेंगे, वो अब नहीं है और आदमी को जाना ही है, हर एक आदमी जो आया है वो जाएगा ही, तो अब उनकी रचनाएं ही हैं जो हमारे पास है। और आपने कहा कैसे याद करें, तो मेरा जीवन मतलब मैं जब पैदा हुआ उसके बाद से उनकी मृत्यु तक मैं उनके साथ रहा, और उसमें जब उनकी अंतिम सांस ली गई तब भी मैं वहीं पर था। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि हमारे दिमाग में आती हैं। बहुत लोगों ने लिखा है पापा के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं, मगर वही चीजें हैं कि जो उन्होंने बताई वो लिखी गई। मगर मैंने जो उनके साथ जिया है जीवन, जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं, उनको मैंने क्रमबद्ध किया। और पापा से मेरी बात भी हुई थी इसके बारे में कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ करो आप लिखो। मगर मैं क्या था कि पापा के पास बहुत सारे कवियों की आती थी पांडुलिपियां कि आप इनका भूमिका लिख दो, और वो लिखते रहते थे हर एक को। तो मैंने भी कहा कि पापा जब आप सबकी लिखते हो तो मेरी भी लिख देना, कहले हाँ ठीक है मैं लिख दूंगा। मगर वो दुर्भाग्यवश मैं ऐसा कर नहीं पाया, उनके जाने के बाद ही फिर मैंने वो काम को पूरा किया और फिर वो छापी है। तो उसमें जो घटनाएं हैं वो मेरे साथ जो हुई हैं वो सारी घटनाएं मैंने क्रमबद्ध की है। अभाव का क्या था कि मैंने तो जब से जन्म लिया तो मुझे कोई अभाव नहीं झेलना पड़ा, मैं कभी भी अभाव में नहीं रहा। मगर पापा जो बताते थे, दादी जो बताती थी कि किस तरीके से जब 6 साल की उम्र में बाबा का देहांत हो गया, और जबकि मेरे चाचा जो सबसे छोटे चाचा हैं वो सिर्फ 22 दिन के थे, उसके बाद जो घर के हालात थे वो ऐसे नहीं थे कि सुचारू रूप से घर का खर्चा चल पाए, कोई शर्माने वाला नहीं, और उसमें अभाव ही था, तो उसमें किसी ना किसी को आगे बढ़ के आना था जो कि वो कुछ कर पाए। उस वक्त तो सबसे पहले पढ़ाई का ही था, क्योंकि आप ये सोचिए कि बचपन में अगर किसी को बाहर भेज दिया जाए पढ़ने के लिए अपने माँ से भाई बहन से दूर, तो वो बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि वो क्षण होते हैं जब आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, मगर वो उनको वो चीज नहीं मिला, और कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल रही थी, खाने के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो वो अभाव था जिसमें उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी गुजारी, और वो जिंदगी में फिर आगे बढ़े तो उसमें एक चीज ये हुई, उसका एक फायदा ये भी हुआ कि उन्होंने अपने आप को ये कहा कि मुझे तो अब जो कुछ करना है अपने आप ही करना है। एक आदमी में जो आत्मविश्वास होता है और एक जो आगे बढ़ने की आकांक्षा और जिज्ञासा होती है वो उनमें बहुत बड़ी, क्योंकि कई बार मजाक में ऐसा होता था कि वो कहते थे यार तुम देखो तुम्हारी फर्स्ट क्लास नहीं आती, मेरी फर्स्ट क्लास सिर्फ इंजीनियरिंग में आई, उससे पहले मैं कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाया, और पापा ने हमेशा टॉप किया था, तो वो कहते थे देखो मैं यार उसमें भी करके कर लिया। तो मैं मजाक में कहता था पापा देखिए मुझे तो सब कुछ मिल रहा है ना, आपको तो करना पड़ता था इसलिए आपने सारी जी जान उसमें लगा दिया, मैं तो अब अपने बस कर रहा हूँ। मजाक की बात है पर ये अक्सर बात होती है। तो उनका तो जीवन अभाव में ही था, नहीं वो कई बार हुआ ये बात तो अक्सर ही होती थी, क्योंकि उनको भी जो मंच पे आजकल हो रहा है वो पसंद उसको नहीं करते थे, वो कहते थे गुंजन ये सारी चुटकुलेबाजी होती है आजकल, और लोग हास्य को ही ज्यादा पसंद करते हैं, और उसमें कविता कम हो जाती है हास्य ज्यादा हो जाता है। तो उसमें अक्सर आप आजकल देख भी रहे होंगे कि लोग पहले जो शुरुआत करते हैं चुटकुलों से ही करते हैं और उसी में खत्म कर देते हैं, बीच में कहीं कविता आती तो आती है। जो कविता पहले थी जो गरमा थी कवियों की वो आजकल नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है, मगर वो गरमा जो इसको हम कहते थे कि दिनकर जी स्टेज पे बैठे हैं तो कोई गलत बात बोल ही नहीं सकता, या बच्चन जी बैठे हैं तो कोई भी हल्की बात नहीं बोली जाएगी, या पापा बैठे हैं तो कोई हल्की बात नहीं, बलवीर सिंह रंग जी हैं, देवराज दिनेश हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं,
सोम ठाकुर हैं, ये लोग वो थे दिग्गज कवि, रमानाथ अवस्थी जी हैं, नूर साहब है, ये लोग ऐसे थे जो कि आप उनके सामने थोड़ा गलत बात नहीं कहेंगे, मगर आजकल तो कुछ नहीं है, तो उससे दुखी थे वो काफी कि आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें लिखा भी था कि कवियों ने निराला की कलम तक बेची, नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, न जाने क्या क्या इस दौर में क्या क्या न बिका, इंसान ने आंखों की शर्म तक बेची। तो ये सब कवियों के ऊपर ही व्यंग था, एक तरीके से सटायर था। नीरज जी को पापा जुड़े हुए थे ओशो से, तो ओशो साहित्य तो आता था। पूना में कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें पापा को बुलाया था, दो बार पापा गए हैं पूना कवि सम्मेलन में। तो ओशो उनकी कविताओं से प्रभावित थे और पापा उनसे प्रभावित थे। उनका कहना था कि ओशो जैसा दार्शनिक इस जमाने में मिलना मुश्किल है, उसको किसी ने पहचाना नहीं, वो वक्त से पहले हैं, तो इसलिए लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे दो प्रोग्राम हुए थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो उसमें ज्यादातर विदेशी थे, तो उसमें पापा ने उनको हिंदी और हिंदी में पहले पढ़ते थे, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो पूरा उनको बताते थे कि क्या है इसका मतलब। तो दो बार गए हैं, उसके बाद ओशो उनसे काफी प्रभावित हुए, तो ओशो ने उनको एक ऑफर दिया कि आप जो है पूना आश्रम में आ जाओ और जो हमारा प्रकाशक मंडल है उसमें रहो, आश्रम में ही रहो। तो पापा ने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपना पेन जो है वो उनको दिया था कि आप लोग मेरा पेन ही लो, आप इसके सच्चे हकदार हो, और वो पापा को पेन दिया था। उसके बाद एक उन्होंने किताब लिखी थी, नाची बहुत मैं गोपाल, अब मैं नाची बहुत गोपाल, उसकी भूमिका उन्होंने पापा से लिखवाई थी रजनीश। और जो पहली किताब लिखी है रजनीश ने, संभोग से समाधि तक, वो उन्होंने अपने हाथ से उसमें हस्ताक्षर करके पापा को भेजी थी, वो मेरे पास रखी हुई है उससे प्रतिक्रिया के लिए कि आप बताइए कैसी है। क्योंकि रजनीश जी मेरे चाचा के स्टूडेंट रहे हैं जबलपुर में, बिरला जी से तो वही था कि हम जब मिलने गए थे तो वहां पे बिरला जी और उनके बेटे कुमार मंगलम दोनों ही खड़े थे। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई तुम अगर मेहनत करोगे तो फिर मैं तुम कहीं से कहीं पहुंच जा सकते हो, मगर ये मत समझना कि नीरज जी के बेटे हो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी मगर आपको अपने आप बढ़ना पड़ेगा। उनकी ये बात बिल्कुल सही थी। और इसका मैं पहले ही बता दूं कि मेरे कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम था कि मैं नीरज जी का बेटा हूं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम था, जो टीचर्स थे वो किसी को नहीं मालूम था। मुझे उसका कई लाभ मैंने नहीं लिया कि मैं नीरज जी का बेटा हूं। तो और उसके बाद यहां पे भी मुझे बहुत दिनों बाद लोगों को मालूम पड़ा, जब कवि सम्मेलन में पापा को बुलाया गया और वहां पे वसीम बरेली साहब ने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ रहा था, गुंजन ने मुझसे कहा कि तुम्हें आना, तो मैं सीधा यहाँ आ गया हूँ। तो फिर हुआ कि गुंजन कौन है, हॉल में सारे लोग गुंजन को ढूंढ रहे हैं, गुंजन कौन है, तो फिर पता चला कि गुंजन मेरा नाम है। तो लोग नहीं जानते थे यहाँ पे भी, तो मैंने कभी भी उसका लाभ लेने की कोशिश नहीं की। एक बार कोशिश की थी, जो मैंने इस किताब में तो नहीं लिखा है, कि वो मेरे जो राजचंद्रा जी थे उनकी बेटी जो थी, उनके हस्बैंड CMD थे BHL के। तो मैंने एक बार पापा से कहा कि पापा आप जानते हो उनकी छोटी बहन मेरे साथ अलीगढ़ में काफी दिनों रही थी जब शूटिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि आप उनसे कहो कि भैया मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन तो करा दें। तो वो कहते हैं कि यार मैं क्यों कहूं, अगर तुम्हारा करेंगे तो किसी का छोड़ना पड़ेगा ना, तुम्हारा जब अगर तुम डिजर्व करते होगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला था मुझे, तो उन्होंने और कभी कहा ही नहीं किसी के लिए कि भाई, वो कह रहे थे जो तुम्हारा डिजर्व करते हो, जो किस्मत में वो मिलेगा। तो कभी भी मैंने फायदा नहीं लिया, एक बार कोशिश की थी उसमें मना हो गया, तो फिर तो कभी आगे के सवाल ही नहीं। उनका कविता, उन्होंने बहुत गूढ़ कविताएं लिखी हैं, मगर उनको एक तरीके से मंची कवि कह दिया गया, और साहित्य में जो उनकी पहचान थी वो पहचान नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने लिखा है दर्शन, उनका जो है वो उनको सिर्फ ये समझ के कि वो सौंदर्य के कवि हैं,
उस तरह से उनको लिखा गया और मंची कवि, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी बारी गड्डी होगी उतना चिंतित प्राण रहेगा, चुप रहो तो अनुभूति बोले, आंगन का द्वार खुलता नहीं बाहर से खोले, ये सारी चीजें बहुत गूढ़ हैं। तो उनका जो जिस तरीके से उनका आकलन होना चाहिए था वो आकलन नहीं किया। मंच पे ये हाल था कि पापा पहुंच जाए तो फिर ये होता था कि बस उनको सुनाओ उनको सुनाओ, मगर वो जो मंच के जो अध्यक्ष होते थे उनको लगता था कि अगर अभी इनको सुनवा दिया तो फिर तो पब्लिक चली जाएगी, खाली हो जाएगा, पब्लिक चली जाएगी, खाली हो जाएगा। तो उनको आखिर में ही बिठाया जाता था, और जब बिठाया जाता था फिर ये होता था कि माइक उनके हाथ में आ गया तो एक डेढ़ घंटे आप सुनते रहो, जो सुनना है वो सुनते रहो, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति जो थी वो ऐसी थी कि आप कुछ बोल दो उनसे वो एकदम सुना देते। पापा के बारे में हमारे बच्चे, मेरा बेटा लवी पल्लव और मेरी बेटी आकांक्षा, सुना बहुत था मगर वो जानते नहीं थे कि वो क्या शख्सियत है, कभी देखा नहीं ना उन्होंने कि ऐसा। एक बार जब प्रोग्राम में गए, मैं लेके गया, वो दिल्ली में था प्रोग्राम उमा शर्मा के साथ, तो मैं अपनी बेटी को लेके गया, मैंने कहा तुम चलो वहां पे। गई तो वहां पे जो देखा उसने कि किस तरीके से पापा के लोग स्टेज पर टलने से पहले सारे लोग झुके जा रहे हैं, सब पैर छू रहे हैं दद्दा 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 करके, और सारे लोग वहां घेर के खड़े हो गए, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, तो उसको लगा कि हाँ कोई शख्सियत है। फिर उसके बाद उसको किसी ने पूछा कि जब डेथ हुई थी कि हमारे नीरज जी तुम्हारे दादा थे, तो उसने कहा कहने यार यार तू मुझे छू लेने दे, मैं तेरे को छूना चाहता हूँ, जो तुम्हें छू के मैं समझ लूंगा नीरज जी को छू लिया है। तो कह नहीं पापा, अब मैंने समझा कि वो उनकी शख्सियत क्या थी। तो शख्सियत कवि के मामले में उसके मामले में बहुत ही ऊपर थे, और मगर एक चीज है कि घर में देखो आदमी जब अब समझ में आता है कि जब आदमी इतना ज्यादा मशहूर हो रहा है, इतना ज्यादा प्रोग्राम में बिजी हो रहा है, अपने आप में बिजी हो रहा है, तो घर में वो चीज नहीं हो पाती है जो आप प्यार बच्चों को होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। जब वो उतने ज्यादा मशहूर नहीं हुए थे तब हमारे साथ खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, पतंग भी उड़ाते थे, गली डंडा खेलने पहुंच जाते थे, सारी चीजें होती थी, बैडमिंटन खेलते थे, सब खेलते थे, मगर उसके बाद जब उनके पास टाइम ही नहीं था तो फिर थोड़ा सा ऐसा मुश्किल हो गया कि वो हमको टाइम दे पाए। तो वो पिता के तौर पे शुरू में बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, मगर बाद में धीमे धीमे जब वो बिजी होते चले गए तो फिर वो रहने ही घर पे कम हो। मेरी माँ सावित्री देवी जब शादी हुई थी, मैं दिखा देता हूँ फोटो मेरे पीछे लगी हुई है पापा और अम्मा की दोनों की, तो इसलिए मैंने दिखा दिया थोड़ा सा, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। वो जब बहुत ही अभाव था तब शादी हुई थी, 17 नवंबर 1945 उस वक्त शादी हुई थी, और उसके बाद ही पापा ने पढ़ाई की और सब कुछ किया और घर खर्च अम्मा ने चलाया। तो उन्होंने भी बहुत अभाव देखा, बहुत अभाव देखा, और दादी हमारे साथ ही रहती थी शुरू से, वो उन्हीं के साथ रहती थी, तो उनकी भी सेवा करना और सारा घर भी चलाना और मैं भी था, तो उन्होंने काफी किया। पापा ने कविताएं लिखी, हो सकता है उसमें कहीं उसका भी रहा हो, पर श्रृंगार का जो था वो तो उनके था, क्योंकि बाहर घूमते थे सीधी सी बात है, तो बहुत आसपास लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं तो आकर्षित होते हैं, तो वो भी श्रृंगार का था, और मन का बहुत ही कोमल था, तो श्रृंगार पे ज्यादा था, इसमें कोई शक नहीं। तो मगर माँ का अकेलापन यही था कि माँ की 2001 में डेथ हो गई, तो उस वक्त मैं उनके पास रह भी नहीं पाया, मैंने जिक्र भी किया इसका कि वो आई थी तब मैं रह नहीं पाया, और उसके बाद मिल भी नहीं पाया, तो ये मेरे दुख रहेगा मेरे को, क्योंकि वो लोग आते थे तो सिर्फ गर्मियों में आते थे, गर्मियों में आ जाते थे, दिवाली होली हम लोग चले जाते थे, तो यहाँ पे गर्मी में एक महीना हम रहते थे। मगर पापा के साथ क्या हुआ कि जब मैं रिटायर हो गया 12 में, तो उसके बाद तो मेरा रहना वहां पे अलीगढ़ में ज्यादा हो, तो मेरा ज्यादा समय फिर पापा के साथ थे, तो उस वजह से जो है लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया, और पापा अकेले हो गए तो फिर और भी लगता है। तो हम लोगों को वहां पे दिन भर, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ दोनों वहां बैठे होते, पापा अपने लेटे रहते थे बिस्तर पे, कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती थी, तो वो लगाव तो बहुत बढ़ गया, और सचमुच में जब गए तो फिर संभालना थोड़ा मुश्किल होता है उस वक्त अपने आप को,
तो अभी भी याद करते हैं, माँ की भी और पापा की तो आंखें नम हो जाती हैं। नीरज जी का देखो एक चीज थी कि वो कहते थे कि आदमी को कृष्ण की तरह, जो राजा है उसको कृष्ण की तरह बर्ताव करना चाहिए, सिर्फ मर्यादा में रहने से काम नहीं चलता है, आदमी को हर एक वक्त पे हर एक जिस जो भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आप मर्यादा में ही रहते हो तो कोई फायदा नहीं। उसमें मैंने लिखा था मगर वो मैंने किताब से फिर हटा दिया उसको। उनका यही मत था कि आप मर्यादा में रहिए मगर अपने ऊपर अन्याय मत होने दीजिए। अन्याय सहना भी एक तरह का पाप है। और उन्होंने मजहब को वो मजहब कभी नहीं माना उन्होंने। पापा पूजा वगैरह ज्यादा नहीं करते थे, उनको ज्यादा वो नहीं था कि मंदिर जाएं या जाएं, नहीं कुछ नहीं। माँ बहुत करती थी, माँ का अपना होता था कि निर्जला व्रत रखना है उनको पूरे 9 दिन, वो अपने निर्जला नहीं सॉरी वो जो बिना उसके खाए रोटी वगैरह खाए अन्न खाए हुए, तो वो करती थी, पापा कुछ नहीं करते थे। मगर हाँ वो इस बात के थे कि अपने अगर ऊपर कोई बात आए तो फिर आपको उठ के खड़ा होना पड़ता है। बाकी सारे धर्म अच्छे हैं, आप सब धर्म को मानिए, सब उस तरह से कीजिए। लिखा भी उन्होंने इसीलिए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चला जाए, मगर क्या है ना कि वो चीज कुछ लोगों को तो समझ में आती है, कुछ की समझ में नहीं आती, वहीं पे द्वंद्व शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम ये है। नीरज जी की बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि बची होंगी। इस पुस्तक के अलावा आपकी कोई योजना है भविष्य की, नीरज जी से संबंधित ऐसी कोई चीज हो, पांडुलिपियां हो, कविताएं हो जो छपी ना हो? नहीं, वो कुछ कविताएं हैं, कविताएं मैंने ढूंढ के रखी हैं जो कि नहीं छपी हैं। बाकी मैं बातचीत कर रहा था, अभी बात हो नहीं पाई फाइनलाइज की, जो उनके हाथ की लिखी हुई है उनको अगर कोई छापने को तैयार हो, जो हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि है ये सारी मेरे पास है, वो मैं चाहता हूं कि वो छपे, क्योंकि देखें लोग कैसे, जो राइटर लिखता है तो कैसे वो एक एक शब्द को चेंज करने के लिए कितनी बार काटता है, कितनी बार दिमाग में नए विचार आते हैं तो उस लाइन को दो दो तीन तीन बार लिखता है, वो चीज देखने को मिलती है कि ऐसा नहीं होता कि फ्लो आया तो आप लिखते चले गए, आपने लिखा उसके बाद दोबारा से कुछ खोलता है कि नहीं इसमें ये शब्द सही होना चाहिए, तो उसको किस तरीके से किया जाता है, वो है मेरे पास, उसका एक तो है। दूसरा इसमें भी काफी कुछ और भी लिखा जा सकता है कि घटनाएं तो और भी हैं जो कि किताब ज्यादा मोटी हो रही थी तो वो हटा दिया, बहुत सारी और घटनाएं हैं जो कि हो सकती हैं।